इसी बीच के चक्कर में देश में और प्रदेशों में कहीं व्यवसाय न गड़बड़ाए, आर्थिक जो स्थिति है वो न चरमराए, इसके लिए जनता में भी इस बात का थोड़ा कौतूहल है। महंगाई बहुत तेजी से वैसे ही स्थिति आम लोगों को खराब है, इस तरह से लंका जैसी स्थिति यहाँ भी किस दिन हो जाए। गोवा का मैनिफेस्टो पढ़ा था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी उन्होंने वही वादे किए थे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फ्री राशन देंगे। राजनीति ऐसे ही चलेगी, लेकिन आमदनी कम और वादे ज्यादा के तो क्या होता है, इसे समझने के लिए दो चेहरे देखिए। पहले हैं महेंद्र सिंह, 70,000 रुपए तक महीने का कमाते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जीवन जीने का मंत्र है कर्ज कम लो, जरूरतें सीमित रखो। तो क्या ये खुश रहते हैं? मेरा उसमें अपना गुजारा हो जाता है, मेरे बच्चे भी अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं स्कूल में, और उसके साथ साथ जैसे भी है, मतलब मैं उस इनकम में अपने सोर्स में और अपने काम से संतुष्ट हूँ। हमारा अपना जो है उससे मेरा अपना अच्छा गुजर बसर हो रही है, ना कोई टेंशन ना कोई परेशानी, अच्छा अपना खुश रह रहा हूँ। ये दूसरे मोहन शर्मा है, इनकी एक छोटी फैक्ट्री है, किराए पर घर देकर भी कमाते हैं, ये महेंद्र सिंह से ज्यादा पैसा पाते हैं, लेकिन ये क्या हर जरूरत पूरी कर पाते हैं? जो मैं थोड़े बहुत जो कमाता हूँ उससे मेरे जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं, मेरे बच्चों की पढ़ाई है और डेली रोज के जो खाने पीने की समस्या है वो मेरी पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि जो मेरी कमाई है वो कम है और खर्चे मेरे ज़्यादा हैं। महेंद्र सिंह और मोहन शर्मा की जिंदगी में यही फर्क है, एक ने सीमित आय में अपनी जरूरतें सीमित कर ली, कर्ज नहीं लिया, घर में शांति है, दूसरे के खर्च असीमित, आय लिमिटेड तो जरूरतें अधूरी। क्या यही कारण है कि श्रीलंका की हालत आज ऐसी है, जहां कर्ज के जाल ने और लुभावने वादे पूरे करने के दबाव ने ऐसा हाल बनाया? इसे हमने आर्थिक मामलों के दो जानकारों से आपके लिए समझा। फ्रीबीज कह लीजिए या गवर्नमेंट इंटरवेंशन कह लीजिए, वो एक सरकार के हाथ में एक टूल है जिसके कारण वो एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप पे इंटरवीन करता है। परंतु अगर ये फ्रीबीज या इंटरवेंशन जरूरत से ज़्यादा हो तो इसका सीधा सीधा फर्क असर हमें देखने को मिलेगा स्टेट के डेफिसिट में, और अगले साल से उसके इंटरेस्ट भरपाई के कारण वो कीमत धीरे धीरे बढ़ते जाती है। अब ये फ्रीबीज और कैपेक्स अगर आप देखें एंड रिजल्ट में दोनों चाहे फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएंगे, परंतु जैसे ही आप कैपेक्स करते हैं उससे आपको इकोनॉमी में असर देखने को मिलता है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है और उससे आपको फ्यूचर में रिवेन्यू जनरेट होता है। परंतु ये जो है फ्रीबीज में आपको केवल खर्चा होगा, उसके कारण कुछ व्यक्तियों को जिनको वो फ्रीबीज मिल रही हैं कुछ वो खर्चा करेंगे, परंतु एक अगर ये लंबे समय तक चलता रहा और अमाउंट बढ़ता रहा तो इसका असर स्टेट इकोनॉमी और नेशनल इकोनॉमी, चाहे ये कंट्री लेवल पे हो रहा है, चाहे ये स्टेट लेवल पे हो रहा है, या ये म्यूनिसपैलिटी लेवल पे हो रहा है, तीनों तरफ ये आपको असर जो है एक जैसा ही देखने को मिलेगा। अगर आप फ्रीबीज परमानेंट कर दें कोई जगह तो फिर काम क्यों करें? कोई भी करेगा नहीं काम, जब फ्री आपको खाने मिल रहे हैं पीना मिल रहा है तो आप क्यों काम करोगे? इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा फ्रीबीज में अगर आप जो मोदी जी ने कहा कम से कम कुछ तो काम करवाइए उससे, अगर आप पेड़ दलवा रहे हैं या साफ करवा रहे हैं कुछ तो करवाइए ताकि उनको कुछ पैसों का कुछ वैल्यू हो। मुफ्त के वादों को एक तराजू में तोल कर देखिए, क्या मुफ्त के वादे आम आदमी के लिए वाकई में आवश्यक हैं? क्या मुफ्त के वादों से आदमी और निकम्मा और निठल्ला हो जाता है और कामकाज एकदम छोड़ देता है? या इस तरीके की मदद करनी चाहिए जिससे इंसान जो आम आदमी है वो सरकार की मदद कर सके, सरकार की अर्थव्यवस्था में जब सरकार किसी तरीके की मदद आम आदमी को दे तो आम आदमी को भी उसके एवज में सरकार की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना चाहिए। तो क्या हमारे देश में भी राज्य सरकारें कल्याणकारी राज्य और मुफ्तवादी राजनीति से कर्ज में डूबे राज्य के बीच के फर्क को समझेंगी ताकि श्रीलंका जैसी स्थिति का निर्माण कभी कहीं भी ना हो? ऐश्वर्या पालीवाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।